Assalamualaikum, welcome back to an other vlog. Good morning. और आज की कहानी का आगाज कुछ यूँ होता है कि आपके भाई तीन चार दिनों से तबीयत खराब थी, आवाज़ से कुछ अभी भी आइडिया हो रहा होगा, जिस वजह से कोई व्लॉग नहीं बन पाया और एक लिमिट जो है वो एक्सीड कर चुकी है मुझे. तीन से चार दिनों में एक व्लॉग ज़रूर अपलोड करना था और आज मेरे ख्याल से चार दिन से ऊपर हो चुके हैं. आज हमने एक टारगेट सेट किया है कि आज में एक व्लॉग बनाना है, एडिट करना है और अपलोड भी करना है. और व्लॉग अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने जा रहा है आज के दिन में, बट कुछ ना कुछ तो होगा. सबसे पहला एक आइडिया है कि आपके भाई ने जाना जी और ट्रेन स्टेशन से मार्केट जाना है ब्रंथ रोड पे. वहाँ से हमने दो तीन चीज़ें लेके आनी है, तो स्टार्ट और जर्नी. ये पेंट ख़राब हो चुका है ऊपर, एज यू नो से फ्रॉम सेकेंड लास्ट और लास्ट वीडियो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था ऊपर. उन्होंने पाइप जो है वो दीवार के साथ लगा के नल जो है वो खुला छोड़ दिया था, पानी आता रहा, जिस वजह से पेंट फूल गया, ख़राब हो गया. खैर हमारा आज का कंसर्न ये नहीं है, वी हैव टू गो टू मार्केट. लेट्स गो. जो सीक्रेट पार्सल हमने उठाना था तो हमने उठा लिया एंड सारा काम धाम हो गया. एक चीज़ रह गई हमारी, वो अभी हम यहाँ से पिक करते हैं एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स ऑरियन ट्रेन स्टेशन और वहाँ से फिर घर की तरफ चलेंगे. आपका भाई सन किस्ट नहीं, सन टैंड हो चुका है, फुल काला काला माहौल हो रहा है. और बस अभी पार्सल उठाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. यू नो गला खराब होना इज टेम्पररी, बट खान साहब की मूंगफली परमानेंट. The next day. Hello जी, Assalamualaikum. Welcome back to an other day of the same vlog. तो कल सॉरी परसों जो है वो आपके भाई की तबीयत थोड़ी सी दोबारा ख़राब हो गई थी, तो डैट वाय हम उस व्लॉग को जो है वो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाए. लेकिन आज हम उस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि एक भाई ने हमारी लास्ट वीडियो पर कमेंट किया था, लास्ट और मैं भी सेकंड लास्ट जिस पे हमने स्पीडोमीटर लास्ट वीडियो थी, स्पीडोमीटर को हमने मॉडिफाई किया था, उस पे भाई ने कमेंट किया था. कमेंट आप पढ़ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि इसकी बैक पे एक लेयर होती है, बेसिकली इस डायल के बैक पे एक लेयर होती है, तो उसको रिमूव करने के बाद इसका जो ब्लूइश टिंट है उस प्लेट के अंदर वो रिमूव हो जाएगा. तो हम ट्राई करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर वो काम चलता है कि नहीं चलता. लेट्स डू इट. यार ये चाबी भी इसके अंदर बनवानी है, ये एक शिशका रहता है, किसी चाबी वाले से काम करवाएंगे हम. सबसे पहले हमें इसका स्पीडोमीटर खोलना पड़ेगा. जो भाई आधा काम खोलने के बाद आपके भाई को याद आया कि हमारे पास एक इसका स्पेयर स्पीडोमीटर भी पड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली पहले इसका स्पीडोमीटर था एक एक्सीडेंट के अंदर, जहां पे हमारी ये पिंकी फिंगर टूटी थी उसके अंदर स्पीडोमीटर का भी कबाड़ा हो गया था. तो ये स्पीडोमीटर हमने न्यू बाय किया था, लेकिन पुराना स्पीडोमीटर पड़ा हुआ है, तो उसकी प्लेट पे हम पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद ये सारा लंबा प्रोसीजर करेंगे ये इसको खोलने वाला. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पड़ा है वो पुराना स्पीडोमीटर, ये पड़ी है प्लेट, वो भी गंदी हुई है काफी. एक ब्लेड का बंदोबस्त करते हैं और फिर इसको जैसे ये इसके बैक पे ब्लू मतलब पीछे से लाइट व्हाइट लाइट भी पड़ रही है, तो एक ब्लू शेड दे रहा है,
तो इस ब्लू शेड को हमने ट्राई करना है कि ये रिमूव हो सके, तो ब्लेड का बंदोबस्त करके आते हैं। ये पहले से रिमूव है, ये हमने रिमूव किया, तो ब्लू का ब्लू टिंट ही यहाँ पे मौजूद है। सो हमारा तो ये प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये काम हमारी अकॉर्ड के लिए ये काम नहीं हो सका। बेसिकली इसमें ब्लू का ब्लू टिंट जो है वो अभी तक मौजूद है। ये वाला काम जो है ये किसी खैबर पे, क्योंकि भाई ने खैबर पे किया हुआ, तो ये खैबर पे 100% हो जाएगा। इफ़ एनी ऑफ यू वॉन्ट टू डू दिस ऑन योर खैबर, यू कैन ट्राई दिस। अगर नहीं होता तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। बाकी अभी शुक्र है यार मैंने स्पीडोमीटर नहीं खोला, मेरे जहन में आ गया कि ये प्लेट हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, वरना स्पीडोमीटर खोल के सारा वो अच्छा भला लंबा प्रोसीजर हो जाना था। बाकी अभी का सीन ये है कि अभी आपके भाई ने जाना क्लिनिक पे वलेंशिया, क्योंकि वहाँ का कुछ सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है वो वहाँ पर पहुँचाना है, और बाकी फिर देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज आपके भाई ने काफ़ी दिनों बाद जो है वो GoPro निकाला, तो हमने सोचा यार आज गाड़ी में जो है ना वो GoPro से इंजॉय करते हुए जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अपना विंडो एसी ऑन करते हैं, सनरूफ खोल देते हैं, दैट्स मच बेटर ऑप्शन। धूप पड़ रही है इससे तो आंखों के अंदर, हमें थोड़ा थोड़ा अपना विंडो एसी ही ऑन करना चाहिए। ये स्पीड ब्रेकर बहुत गंदे हैं यार, जानबूझ के आगे बॉडी किट पे लगते हैं। ओ भाई पहला गियर नहीं लगता यार इसका, गाड़ी चल रही हो तो। वैसे वो तो किसी का नहीं लगता। दिस बॉय फेल डाउन, क्योंकि इनू मजा नहीं आ रही असी इतने चिपक के। सीन ये पड़ी हुई हैं मशीनें, और कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं आपकी, हमारे क्या नाम है उसका यार, डिगी के अंदर, जो कि हमने क्लिनिक को पहुंचानी है। और ऑलमोस्ट हम क्लिनिक पर पहुंचने वाले हैं, और क्लिनिक पर पहुंचते पहुंचते आपके भाई को एक और चीज़ याद आई है कि क्लिनिक के ऊपर कुछ स्टूल पड़े हुए थे जो कि अपनी टांगों से माजूर हो चुके हैं, उनको भी हमने वो करवाना है, बेसिकली वेल्डिंग करवानी है। तो आज हम उनको भी रख के लेके जाएंगे वेल्डिंग वाले के पास, और वेल्डिंग शेल्डिंग करवाएंगे इंशाल्लाह उनकी। गाड़ी लेके आने का आज एक और फायदा हुआ चाहता है। अभी बस पहुंच गए ऑलमोस्ट क्लिनिक पे। वंस अगेन द स्पीड ब्रेकर थिंग्स, जहां से हमें ऐसे टेढ़ी करके गुजारना पड़ता है, और पीछे से लोग हमें गालियां देते हैं। क्या बात है, सारी धूप गुजर गई है। फिर आपके भाई को याद आया यार एक सनग्लासेस भी पड़ी है गाड़ी के अंदर, तो उनको भी लगाया जा सकता। अच्छा होप सो, आई थिंक ये अच्छी लग रही है। मैंने आज से लास्ट और सेकंड लास्ट ब्लॉग में दो ग्लासेस पसंद की थी, एक ये थी, एक के अंदर लेंस जो है वो आने वाले थे मोस्ट प्रोबेबली आज जो है वो हमें रिसीव हो जाएंगे, उनको हम फिटशिट करके फिर आपको वो भी चेक कराएंगे। अभी क्लिनिक पे पहुंचने का वक्त हुआ चाहता है। सी यू लेटर। तो जी गाइस ये हैं वो चेयर्स, ये इसका डंडा टूटा हुआ एक टांग से मजबूर है, तीन टांगें इसकी सही हैं। इसको रखते हैं जी इधर, चलो जान दे। दो यहाँ आ जाएंगी और बाकी जो है वो रखते हैं। दो और चली गई हैं, और चौथी एक का डंडा ये पड़ा, और एक ये पड़ी है, सामान उठा के रखते हैं, और इसका ये टूटा हुआ। लो जी इन्होंने आपस में डब जफी डाल ली है। हाँ दैट्स इट, हमने सारी सारी तुझे लंग जो यार। वैसे जब मैंने भी इसको एग्जॉस्ट लगा लेना, लोगों ने मैनू यही कहना है, तो बर्दाश्त करते हैं। बाकी सीन यू चीज़ है कि
चेयर्स हमने अंदर रख ली हैं। अभी एक पेशेंट को टाइम है, आधे पौने घंटे में उसने आना है, तो घर जाने का टाइम अब रहता नहीं है क्योंकि 3-4 बजे मुझे यहाँ पहुँचना होता है। सो वैसे तबीयत जो है ना फुल हैवी वाली ख़राब हुई हुई है, पूरी बॉडी पेन है, लेकिन इतने बहना भी ज़रूरी है क्योंकि पैसा आएगा, खर्चा होगा, मतलब इस तरह कुछ तो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसका रैप भी कराना है अभी हमने। सो अभी सीन शीन कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फाइनली नंबर प्लेट भी हमने लगा लिया, एंड आई एम नॉट राजपूत बाय द वे। मैं क्या दस दें यार, वैसे टाइम ही नहीं मिलता वो ब्लैक करवाने का।